हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछे थे, सर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी में काफी वैकेंसी थी, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद सभी जोन में अलग अलग कितनी वैकेंसी थी आप यहाँ से देख सकते हो। इलाहाबाद जोन से जनरल की 3056 वैकेंसी थी, एससी की 901, एसटी की 477, ओबीसी की 1653, टोटल वैकेंसी थी 6087। तो इस प्रकार आप जिस जोन से हो अपनी वैकेंसी देख सकते हो। तो अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपको मालूम है कि इसमें वैकेंसी काफी ज्यादा थी, 62907, और एक स्टूडेंट जो अजमेर जोन से था पूछ रहा था कि सर अजमेर जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है रेलवे ग्रुप डी की, तो वो है 4705। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 61 से 66 के बीच लाई करते हैं, यानी कि आपके मार्क्स 60 और 60 प्लस हैं, तो आपको रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल में जरूर बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 60 प्लस हैं, 60 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 50-55 हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 45-50 के बीच बिलोंग करते हैं, तो आपको 100% रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल में भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मालूम है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी जो आरआरबी है वो 2 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी फिजिकल के लिए। आपका आपके मार्क्स जो है अगर इस रेंज में बिलोंग करते हैं अपनी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप देख सकते हो, जैसे भी आप रेलवे ग्रुप डी के बारे में गूगल पर आरआरबी डाल के सर्च करोगे, आपको मालूम है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आ जाएंगे। यहाँ पे एनडीटीवी 3 घंटे पहले इसने न्यूज दी है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 डे एगो दी है, 35 मिनट पहले जनसत्ता ने दिए। तो बहुत सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हर 1 घंटे में इसकी न्यूज दे रहे हैं। देखिए एनडीटीवी खबर 1 घंटे पहले रेलवे ग्रुप डी की रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया है, और हिंदुस्तान ने 1 घंटे पहले दिया इसमें रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया है हिंदुस्तान। तो यदि हर एक अपडेट के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो हर एक न्यूज़पेपर जनसत्ता से लेके, हिंदुस्तान से लेके, एनडीटीवी से लेके, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके और जनसत्ता से लेके हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे 35-35 मिनट में अपडेट दे देते हैं। तो इतने सारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। तो इसके रिजल्ट के डेट के बारे में अभी किसी को भी कंफर्म डेट मालूम नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि फरवरी की लास्ट वीक में, यानी कि मान लीजिए 27 और 28 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आ सकता है। फिर भी यदि आप कंफर्म चेक करना चाहते हो कि इसका रिजल्ट आया है, इससे पहले सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेलवे की किसी भी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप भोपाल जोन से हो तो आरआरबी भोपाल डाल के ऑफिशियल साइट पर इसको चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन, वो भी सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये जो इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट अपडेट, जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। जो भी अभी अभी इसमें 1-2 वीक पहले जितने भी अपडेट हुए हैं, वो सब आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 4 फरवरी के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आरआरबी की कोई भी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बार बार कमेंट करके आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो इसका रिजल्ट डेट है वो अभी कोई भी नहीं बता सकता आरआरबी की जो ऑफिशियल लोगों के अलावा। तो जब भी आपको चेक करना हो कि इसका आया है कि नहीं, रेलवे की किसी भी ऑफिशियल साइट पर जाकर और इसके लेटेस्ट अपडेट में जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब